Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर बेस्ड. ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी 3:2, ये उनकी ओल्ड रेशियो. सी आया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए. सिंपल केस, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि नया पार्टनर आएगा और अपना शेयर डिमांड करेगा. ऐसे केस में क्या करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट 1, जिसमें से सी इज कमिंग फॉर 1/4, बैलेंस शेयर जो ए और बी के लिए बचा दैट इज 3/4, इसमें से ए इज न्यू शेयर विल बी, एक का शेयर है 3/5, बच्चों ये जो 3:2 है इसमें से ए का शेयर 3/5 ऑफ 3/4 मिलेगा इसको, ये 3/4 सी को देने के बाद बचा ना फर्म के पास, यानी कि 9/20 ए का न्यू शेयर होगा और बीज न्यू शेयर विल बी 2/5 ऑफ 3/4 6/20. देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी एबीसी का 9/20, बी का शेयर 6/20 एंड सी का शेयर 1/4. बस एलसीएम ले लो बच्चों इसका, 29:6:5, ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई. एक जस्ट कंफर्म करने के लिए आप देख लेना, 9+6+5 का टोटल करके देख लो 20, मतलब ऊपर का टोटल नीचे से टैली हो. कुछ स्पेशल क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जिसमें आपसे कुछ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर ये क्रॉस चेक करने के जो सिस्टम है ना वो आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर ऊपर का टोटल नीचे से टैली नहीं हो रहा तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगी आपसे कोई गलती हुई है, आप इमीडिएट चेक कर सकोगे. 9+6+5 20, ये आपकी बच्चों न्यू रेशियो आ गई. हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको इसी में सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना सिखा देता हूं. और सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो है वो आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. कॉमन सेंस है, फॉर्मूला भी है, पहले कितना लेता था अब कितना ले रहा है, जो डिफरेंस है वो सेक्रीफाइजिंग है. जैसे ए 3/5 लेता था, अब ही इज टेकिंग 9/20, एलसीएम लिया 20, 12 - 9 = 3/20. बी का देखेंगे बच्चों, 2/5 - 6/20 उसका न्यू शेयर है, ये रहा बच्चों, पहले 2/5 ले रहा था, सो 8 - 6 = 2/20. अब आप इसको एक साथ करें, 3/20 एंड 2/20, एलसीएम लिया 20, 3:2, इसको कट कर दे एलसीएम को, यानी कि उनकी सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3:2 है, मतलब 3/5 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/5 बी सेक्रीफाइस कर रहा है. यहां पर भी मैं तुम्हें क्रॉस चेक करने का तरीका बता दूं. फर्स्ट केस में जब इस तरह से जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी 3:2 ले रहे हैं एंड सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, ये जो हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, इस केस में जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगी वो एग्जैक्टली ओल्ड रेशियो के बराबर, जितनी ओल्ड होगी उतनी ही सेक्रीफाइजिंग. ये आपसे चेक करने का तरीका, अगर आपसे कुछ चेंज आ रहा हो आपसे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि हमारी फर्स्ट केस में जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के बराबर आनी चाहिए. ठीक है जी, तो ये फर्स्ट केस का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ए बी का रेशियो दिया था 3:2, सी 1/4 के लिए आ रहा था, तो हमने न्यू रेशियो निकाल दी, ये आपके सामने है पहले 9:6:5, और फिर उसके बाद आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3:2 की आ गई. डन, ओके.